भाजपा ने चुनाव से पहले बागियों को दिखाया बाहर का रास्ता, 40 कार्यकर्ता पार्टी से निष्कासित। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को 37 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपने 40 कार्यकर्ताओं को पार्टी अनुशासन का पालन नहीं करने और पार्टी नियम तोड़ने के लिए निष्कासित कर दिया। भाजपा ने निष्कासित कार्यकर्ताओं के नाम भी जारी किए हैं। भाजपा का ये फैसला महायुति गठबंधन द्वारा महाराष्ट्र के लिए बहुप्रतीक्षित घोषणा पत्र पेश करने के बाद आया है। कोल्हापुर उत्तर में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने संयुक्त रूप से घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में महाराष्ट्र के लिए परिवर्तनकारी विकास और राज्य के प्रगतिशील भविष्य के लिए गठबंधन की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया है। महायुति गठबंधन में बीजेपी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। घोषणा पत्र के केंद्र में सभी क्षेत्रों में वित्तीय सहायता और समर्थन बढ़ाने की प्रतिबद्धता है। लड़की बहन योजना के तहत महिलाओं के लिए मासिक भत्ता 1500 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये किया जाएगा। साथ ही महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 25,000 नई पुलिस भर्ती की जाएंगी। वहीं किसानों को ऋण से मुक्त करने के लिए योजना बनाई जाएगी और शेतकारी सम्मान योजना के तहत 15,000 रुपये की बढ़ी हुई वार्षिक सहायता के साथ साथ 20% MSP सब्सिडी से लाभ होगा। घोषणा पत्र में कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों की मासिक पेंशन भी बढ़कर 2100 रुपये हो जाएगी, जिससे उनके बाद के वर्षों में सम्मान सुनिश्चित होगा। आंगनवाड़ी और आशा के वेतन में होगी बढ़ोतरी। घोषणा पत्र में रोजगार का भी लक्ष्य है, जिसमें 25 लाख नौकरियां पैदा करने का वादा किया गया है, जिसमें 10 लाख छात्रों के कौशल प्रशिक्षण के लिए 10,000 रुपये का मासिक वजीफा भी शामिल है। इसके अतिरिक्त 45,000 गाँव में सड़कें पक्की करके ग्रामीण बुनियादी ढांचे को संबोधित किया जाएगा। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का वेतन भी बढ़कर 15,000 रुपये मासिक हो जाएगा, साथ ही बीमा कवरेज भी मिलेगा। घोषणा पत्र में गठबंधन का लक्ष्य एक समृद्ध महाराष्ट्र बनाना है। किसानों के लिए आर्थिक राहत और युवाओं के लिए रोजगार सृजन से लेकर महिला सुरक्षा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा तक का जिक्र है।